सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। रंजना, तुम सोई तो नहीं हो ना? ये घर वाले भी ना कितना टाइम लगाते हैं यार सोने में। रंजना, हम जानते थे कि तुम हमारा इंतजार करोगी, लेकिन ऐसे इंतजार करोगी ये पता नहीं था। रंजना, मुझे तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। कुछ दिनों से पहले कितना शर्मा कर बात करती थी, लेकिन अब कोई और ही बन गई हो। रंजना, ये तुम्हारे बालों से जलने की महक क्यों आ रही है? रंजू, उठो। तुम मानोगी नहीं, मैंने बहुत भयानक सपना देखा। रंजू उठो। क्या हुआ? सपने में भी मेरे ही बारे में सोच रहे थे? तो आओ। काफी भयानक लगता है ना ये सब। मुझे भी लगा था जब ऐसा ही हादसा मेरे परिवार के साथ हुआ था। आज भी जब मैं उस वक्त को याद करती हूँ तो सहर उठती हूँ। सच में ये भगवान का ही आशीर्वाद है कि मैं आज आप लोगों के सामने जिंदा बैठी हूँ। वरना यकीन मानिए, मेरा परिवार जिस हादसे से गुजरा है ना, उसके बाद ये सब सिर्फ एक चमत्कार है। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना था, जिसे आंखें खोलने के बाद भी मैं मिटा नहीं पाई। अपने पति को पूरी तरह से वश में करने का उपाय पापा अमृतनाथ। क्या पढ़ा जा रहा है भाभी? क्या है ये सब? भाभी आप किन चक्करों में पड़ रही हैं? पैसे लूटने का धंधा है बस। भाभी, भैया आपसे प्यार करते हैं, बस थोड़ा समय। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रही थी। अच्छा जाइए, आपको चीफ मिनिस्टर बुला रही हैं। उनके दोस्तों को चाय के साथ पकौड़े भी चाहिए। ठीक है। ये वाला ना? पकौड़े क्या मेहमानों के जाने के बाद लाने का इरादा था? ये क्या, इतने से पकौड़े? नाक कटवानी है क्या मेरी? सरला जी, बहुत है, रहने दीजिए। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? राशन लेके आना है ना, तो जाओ फिर। अरे मत डांटिए, घर की बहुरिया है। अरे नहीं होती तो अच्छा होता, एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई। और बाप आज दूंगा कल दूंगा करते करते फुस हो गया, और बेटी घर को एक वारिस तक नहीं दे पाई। बीना जी, मैं तो ना अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ।
पर कोई हाँ बोलने को ही तैयार नहीं। बेचारा मेरा बेटा। सरला जी बहुत अच्छा है कि बहुरिया ऐसी है, दुबे जी की बहुरिया जैसी नहीं है। अरे उसने अपनी सास को थप्पड़ जड़ दी और वो इधर उधर घूमती रहती है, कुछ भी करती रहती है, गहने पहन के घूमती है। अगर कोई उसको बोलता है ना तो ऐसा भड़कती है जैसे जान ले लेगी। बाप रे, उसका पति बोलता नहीं कुछ उसे? अरे बोलेगा क्या, वो दिन भर कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है। उसने अपने पति को पूरी मुट्ठी में कर रखा है, मुट्ठी में। हाँ, पर उसके पीछे की कहानी दूसरी है। पता है उसके पड़ोसन क्या बोल रही थी? कि वो एक रात को गहने पहनकर वो पुरानी पोखरी की तरफ गई थी, तब से उसका पति ना उसकी मुट्ठी में है। भागो मत, कुछ नहीं करूंगी। कहा था ना, कुछ नहीं करूंगी। मेरी शक्ति सिर्फ मेरे दुश्मनों के लिए है और उनके लिए जो मेरे गहनों को हाथ लगाते हैं। मुझे जाना। शादीशुदा हो, सामान लेने जा रही हो, इतनी शाम को अकेली, घर वाले ख्याल नहीं रखते क्या तुम्हारा? समझी, पति ख्याल नहीं रखता? बिल्कुल मेरे पति के जैसे। खैर वो तो पहले की बात है, अब तो मेरा पति मेरे बिस्तर से बाहर ही नहीं जाता, क्योंकि मुझे शक्ति जो मिल गई है। शक्ति? कौन सी शक्ति? वही शक्ति जो रात को पुरानी पोखरी पे जाने से मिलती है, गहने पहनकर, सच सवर घर के साथ साथ पति पर भी राज करती हूँ। तुम्हें पता है सब पुरानी पोखरी पे जाने से मना क्यों करते हैं? क्योंकि वो सब डरते हैं उस शक्ति से। शक्ति कौन देते हैं? वही जो वहां रहते हैं। संभाल के, हे भगवान। अरे ठीक है, हम ठीक है। अरे वो राजू है ना, राजू जबरदस्ती बिठा दिया, बोला कि कल तो जा रहे हो तुम तो थोड़ा थोड़ा सा मस्ती हो जाए। फालतू के दोस्तों में रहता है, फालतू के काम करता है, आराम से। ठीक है, हम तू सामान लेने गई थी या दुकान लेने गई थी? संभाल इसको। यही होता है जब एक पत्नी अपने पति का ख्याल नहीं रख पाती। ऐसे मर्द यहां वहां मुंह मारते फिरते हैं, तो इतना से काम नहीं कर सकती? अपने आदमी को संभाल नहीं सकती? माचल, हर दूसरे दिन भैया पी के आते हैं और तुम भाभी पे चिल्लाती हो, इसमें इनका क्या दोष है? तू ज्यादा सीख मत दे मुझे। और इसका काम होता है मर्द को अपने काबू में रखना, ये इतना सा काम नहीं कर सकी? अरे एक छोटी कोड़ी नहीं लेकर आई घर में और ना ही घर का वंश बढ़ा सकी। मां चली जा से।
कुछ चाहिए था आपको? आराम से, आराम से। खोल के भी तुम्हारी शक्ल देखना था हमको। आवाज नहीं, नींद आ रही है हमको, चैन से सोने भी नहीं देती। घर को एक वारिस तक नहीं दे पाई। घर वाले ख्याल नहीं रखते क्या तुम्हारा? अपने आदमी को संभाल नहीं सकती? पति ख्याल नहीं रखता? उसने अपने पति को पूरी मुट्ठी में कर रखा है, मुट्ठी में गहने पहनकर सच सवाल पुरानी पोखरी की तरफ गई थी। अब तो मेरा पति मेरे बिस्तर से बाहर ही नहीं जाता, क्योंकि मुझे शक्ति जो मिल गई है वही शक्ति जो रात को पुरानी पोखरी पे जाने से मिलती है। गहने पहनकर सच संवर। कौन है? आज बंद करो। एक्सीडेंट करवाएंगे क्या आप? आप तो वो सरला चाची की बहू है ना, आप दिन रात को यहाँ क्या कर रही? सुनिए, माँ हम निकल रहे हैं। भाभी बाय। क्या माँ? बिना खाए नहीं जाना। अरे ठीक है ना, हम बाहर खा लेंगे। अरे नहीं, अच्छी बात, तू जल्दी से रोटी बना उसके लिए छुटके। अरे अच्छी बात नहीं होती खाली पेट घर से निकलना। अरे वो तो चली गई है, तू हम लोग के लिए बना दे खाना। Yeah.
तूने निकाला था अलमारी से? क्यों निकाला? अरे निकाला तो निकाला, कम से कम संभाल के तो रख सकती थी। अलमारी के नीचे पड़ा हुआ था। हद होती है लापरवाही की। इसके बाद अगर इसको हाथ लगा रहे तो हाथ तोड़ दूंगी मैं। ये मेरा गहना है, आप इसे लेकर कहां जा रही है? तेरा गहना है, तेरे बाप ने दिया है, हा? शादी में हमने डाला था, खानदानी गहना है हमारा, खानदानी, इसलिए हमारा है और हमारी अलमारी में रहेगा। समझ में आई बात? आई भाई, मेरा गहना है। मेरा गहना आप रखेंगे अपने पास? हाँ, क्यों? अपनी अलमारी में। ठीक है, रख दीजिए। बहुत हिम्मत आ गई है इसमें। अजय को बताती हूँ, उसके हाथ पैर तोड़ के रख देगा। भाभी, माँ तो भड़की हुई है एकदम, ऐसा किया क्या आपने? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, थकान सी हो रही है, जाओ। चर्बी आ गई तुझमें? मां को आंख दिखाती है? मां ने बताया मुझे क्या किया तूने? तेरे को ऐसा मजाक लग रहा है क्या? रुक, अभी तेरी सारी हिम्मत निकालता हूं। मारना चाहते तो मारो ना। बहाने छू तो ले गया आप मुझे। क्या? आपका पूरा हक है मुझे मारने का, डांटने का, अपनी पूरी नाराजगी निकाल दीजिए। मैं छू तक नहीं करूंगी। आप मेरे साथ जो मर्जी करना चाहे कर लीजिए।
रात को हो क्या गया था तुम्हें? हाँ वो पता नहीं मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो पुरानी पोखरी में मैं गई थी और हुआ तो है तुम्हें कुछ, लेकिन जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हाँ मैं आपके लिए चाय लेकर आई। पता नहीं बहू ने बेटे को क्या पट्टी पढ़ाई, कब से कमरे से बाहर ही नहीं आया है। ऐसा क्या किया होगा उसने? माँ बैठ जाओ, पति पत्नी का मामला है वो खुद सुलझा लेंगे। तुझसे पूछा किसी ने? अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठी रहे। हाँ आप भी ना। कुछ बोला क्यों नहीं? माँ आप उसे करने दीजिए ना, जो भी कर रही है अपने हिसाब से। अरे आप बिना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना के बैठ जाते। अरे माँ मेरा बहुत सर पकड़ा हुआ है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कुछ, थोड़ा सो लेता हूँ ना थोड़ा ठीक लगेगा। मैं बात करता हूँ ना आपसे आराम से। सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। एक हूं जिसे जिंदा जला दिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पति की मौत हमसे पहले हो गई थी। एक प्रथा के नाम पर हमारे ससुराल वालों ने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारी खुशी, हमारी जवानी, सब। लेकिन अब मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मेरे साथ ये कुछ क्यों कर रही हो? मैं हम दोनों के लिए वो चाहती हूँ जो हमें कभी नहीं मिला। तुम आए ही क्यों थी मेरे पास? इसीलिए ना कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं पूरा कर सकती हूँ। मेरी बात मानोगी तो इस घर पर राज करोगी। तुम्हारा पति
तुम्हारे बिस्तर से कभी नहीं उठेगा। खुद को पूरी तरह से मुझ पे समाने दो। मतलब के डर रही हैं सरला जी आप। अरे कुछ नहीं हुआ आपकी बहुरिया को, वो पहली बार उसने मुंह खोला है ना, इसलिए आप डर गई हैं। अरे सास बहू की नोकझोंक तो चलती रहती है। बीना जी, बात सिर्फ नोकझोंक की नहीं है। पिछले 3 साल में मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी है, कुछ अजीब तरीके से देखने लगी है। एक बात कहूं बीना जी, वो उस दिन आप लोग जो दुबे की बहू के बारे में कह रहे थे ना, आरती भी कुछ आजकल ऐसी हरकतें करने लगी है। बीना जी, कहीं वो पुरानी पोखरी की पूरी आत्मा तो नहीं आ गई है ना आरती में? अरे कैसी बातें कर रही सरला जी आप, कुछ नहीं होता ये सब। और दुबे जी के घर में सास बहुरिया से परेशान है, इसलिए बोले जा रही है। और पुरानी पोखरी ये सब कहीं सुनी बातें हैं। सीधे से आप जाइए, अपनी बहुरिया को डांट दीजिए, बस वो सुधर जाएगी। हाँ, अरे आपकी बहुरिया तो बिल्कुल गाय जैसी सीधी है। मैं चलती हूँ बीना जी। अरे सरला जी, पहले चाय तो पी जाइए। अरे सरला जी, प्रणाम चाची। हाँ जी, तेरे बेटा खुश रहे। अरे चाची रुको, वो उस रात आपकी बहू ठीक ठाक पहुंच गई थी ना? बहू? हाँ, मैंने सोचा कि फोन कर लूं पर मैं कर नहीं पाया। कहाँ मतलब बहू? अरे उस रात पुरानी पोखरी के पास देखा था मैंने उसको, वो बहुत डरी हुई थी और जल्दी में भी थी तो निकल गई। वो औरतें जाती नहीं है ना उधर, तो इसलिए मैंने सोचा। सब ठीक है ना चाची? अरे चाची सब ठीक है ना? भाभी भैया कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं, आराम कर रहे। मैं मिलाती हूँ एक बार। भैया आपको क्या हो गया? भैया पता नहीं चुटकी, बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। भैया मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ। आरती, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छी बात है ना, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक इस बिस्तर पर आपको मेरे साथ रहने का बहाना मिल जाएगा। नहीं आरती, अभी नहीं। अंदर। माँ मुझे बहुत चिंता हो रही है, भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और भाभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार ही नहीं है। माँ आप देखिए ना। हाँ माँ, मैं देखती हूँ। अजय बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है? हाँ माँ,
और वो बहू कहाँ है? पता नहीं माँ, अभी तो यहीं थी। अच्छा, उसने तुझे कुछ खाने के लिए दिया था क्या? कोई चीज दी थी उसने तुझे? बेटा सुन, देख अगर वो तुझे कुछ भी देना खाने के लिए तो लेना मत, ठीक है? तू अपना ध्यान रखना बेटा, बस लेना मत कुछ। ये भगवान, अभी भी खबर मिली है कि दुबे जी है ना, उनकी बहुरिया रंजना, अरे उसने घर में आग लगा दी है। सब जलकर राख हो गए हैं। और उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा है। पता नहीं वो अपने पति को लेके कहाँ चली गई है। ये कोई सीधा मामला नहीं है। शहर में एक के बाद एक बहुरिया ऐसा कर रही है, हमें तो बहुत गड़बड़ लग रही है। एक बाबा जी है, कल उनके पास चलते हैं। बाबा जी? वो सबकी समस्या का समाधान करते। अरे भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? चुटकी, अभी अंदर मत आओ, मैं पोछा लगा रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। और सुनो, तुम तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉपिंग? भाभी, भैया की तबीयत नहीं ठीक है और माँ भी तो नहीं है घर पे। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक है और आराम से सो रहे हैं, और माँ भी अभी तक आ ही जाएगी। तुम जाओ, मैंने अपने कमरे में तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रखे, उसे ही पहना, बहुत प्यारी लगोगी। आज हम चाट भी खाएंगे, बहुत मजा करेंगे। अरे सोच क्या रही हो, चलो जाओ कपड़े बदल लो। डरते सब हैं, लेकिन सच कितने लोग जानते हैं? रानी पोखरी के पास जो आत्माएं हैं, वो सती की आत्माएं, जिन्हें कच्ची उम्र पर प्रथा के नाम पर अग्नि में सौंप दिया गया, और इसलिए किसी भी सुहागन के शरीर में आकर गहने पहन कर वो सब छुप भोगना चाहती थी, जो जीते जी उनको नहीं मिला, और इसी वजह से सती की आत्माएं रिश्तेदारों से क्रोधित रहती है, क्योंकि उन्होंने ही जबरन अग्नि के हवाले कर दिया था, और उन्होंने जिसका भी शरीर धारण किया है उनके परिवार को मारकर अपना प्रतिशोध लेगी। भाभी, भाभी चुटकी, भाभी हम तैयार हो गए। मैंने कहा था ना कि तुम बहुत प्यारी लगोगी। भाभी, ये मिट्टी के तेल की गंध कहाँ से आ रही है? यहीं से, तुम्हारे लिए तो लगा रही थी पोछा, मिट्टी के तेल का। भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। बचे कैसे? और अगर सती की आत्मा मेरी बहू में आ गई तो क्या करें बाबा? उसके लिए पहले एक चीज समझनी होगी, सबसे जरूरी चीज है। सरला चाची, आप इधर हैं? आपको सब कब से ढूंढ रहे हैं? वो
आपकी बेटी बेटी सरला जी शांत हो जाइए, सरला जी शांत हो जाइए, सब कुछ खत्म कर दिया, मार दिया मेरी चुटकी को। नहीं सरला जी, सरला जी ये हादसा भी तो हो सकता है ना, मैं अपनी छुटकी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी खुद को आग नहीं लगा सकती, कभी नहीं। ये सब कुछ मेरी बहू का किया था ना, आरती ने आग लगाई मेरी बच्ची को, उसी ने मारा है। वो है कहाँ पर, कहाँ है वो, कहाँ है वो? सरला जी शांत हो जाइए, जब से ये हादसा हुआ है ना वो कहीं गायब हो गई है, किसी ने उसे देखा नहीं है। सरला, अरे सरला सुन तो, अरे जरा शांत हो जा सरला, सरला सुन तो, लेकर चली जा। सरला सरला क्या कर, नहीं रुकना मुझे, क्या कर रही है, अरे शांत हो जा थोड़ी, वो यहाँ है उसके पल में चली जाऊंगी, अरे अब नहीं आएगी तो शांत हो जा, तो शांत हो जा सरला। सती का पछताओ तुम, सात सुंदर बार भी चली जाओ और वो वहां से भी लेकर आ जाएगा, मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि तुम चली आई समस्या का हल छाने बिगाड़। सती से पीछा छुड़वाने के लिए तुम्हारी बहू की शरीर से उस आत्मा को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे पहले समझने की बात ये है कि सती बिना इजाजत के किसी औरत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और कोई भी सुखी औरत अपने शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश नहीं चाहेगी। सती उस शरीर को धारण करती है जो परिवार से दुखी हो, पीड़ित हो। अगर तुम्हारी बहू ने ये कदम उठाया है, उसके पीछे सिर्फ तुम ही हो। अब तुम्हें ही इसे खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें अपनाना पड़ेगा, अपनी बहू को माफी मांगनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बहू ही उस सती से अपने आप को अलग कर सकती है। बाबा जी मेरी बहू कहाँ है मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि सती किधर लेके गई है उसको। तुमने चुटकी को क्यों मारा, उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था। चुटकी परिवार का हिस्सा थी और परिवार कभी अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा था मैं परिवार के किसी भी सदस्य को छोड़ दूंगी? ये परिवार ही है जो समय आने पर तुम्हें आग में जिंदा झोंक देता है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे सदस्य क्या होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारे परिवार ऐसे, और चलो अगर मन ऐसा है भी तो किसी को मार कर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तुम और हम अब एक हैं, तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। अब हमें सरला को भी मारना होगा। आरती, आरती! नहीं नहीं नहीं, मैं और किसी का खून नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अपने आप में हावी नहीं होने दूंगी, मुझे माफ कर दो। आरती, 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 क्यों आए हैं यहाँ? मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। बहू, इस बुरी आत्मा को अपने अंदर से बाहर निकाल दो। हम लोग फिर से सब मिलकर एक अच्छा जीवन बिताएंगे। वरना ये बुरी आत्मा एक एक करके हम सबको मार डालेगी। वरना
वरना ये बुरी आत्मा एक एक करके हम सबको मार डालेगी। माजी बचा लीजिए मुझे। बेटा बेटा ये सिर्फ तू कर सकती है। ये लो, ये अपनी चारों तरफ छिड़क दो और अगर तूने अपनी मर्जी से ये सब किया ना तो ये बुरी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। झूठ बोल रही है ये। तुझे मार कर अपनी बेटी का बदला लेना चाहती है। चल अब दोनों मिलकर इसे मार डालते हैं। नहीं बेटा, विश्वास करो मेरा, मैं ये सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि बुरी आत्मा तुम्हारे अंदर से बाहर निकल सके। देखो बेटा, हम दोनों गलतियां कर चुके हैं, आप हमें अपनी गलती को जला देना चाहिए। पकड़ो लो आरती, लो पकड़ो। माजी, मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे मुक्त होना है तुमसे। आरती मैं कैसे पकड़ो? शाबाश। हाथ पीछे से भी। आरती बेटा ठीक है ना? मां माजी मैं चल चल उठ। शाबाश, संभाल के। उस हादसे ने मुझे एक बात जरूर सिखाई है कि अपने परिवार को कभी भी कमजोर मत पड़ने दो, वरना हमारे आसपास जो बुरी शक्तियां हैं वो किसी भी वक्त आसानी से हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। आज मैं अपने बेटे और बहू के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हूं। उस हादसे ने मेरी बेटी मुझसे छीन ली, लेकिन उसके बदले बहू के रूप में मुझे दूसरी बेटी दे दी।